आज मैं आपको टीवी की बहुत सारी अपडेट दूंगा, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें, एंड तक पूरा वीडियो देखें। देबात्मा साहा का जल्दी एक नया टीवी सीरियल आएगा। ये सीरियल जी टीवी पर आएगा, जिसमें लीड रोल में देबात्मा साहा और आशीष भारद्वाज होंगे। इस सीरियल में गौरव सरीन भी नजर आएंगे। वैसे गौरव सरीन इनसे पहले कृष्णा चली लंदन सीरियल में नजर आ चुके हैं। जी टीवी का ये सीरियल बंगाली सीरियल मिठाई का रीमेक होगा। ये सीरियल रात 8 बजे आएगा और काशीबाई बाजीराव बल्लाल सीरियल का टाइम स्लॉट चेंज होगा। अरविंद बबल प्रोडक्शन हाउस का ये सीरियल होगा। अक्षय खरोड़िया ने स्टार प्लस का पंड्या स्टोर सीरियल छोड़ दिया है। लास्ट ईयर अक्षय ने दिव्या नाम की लड़की के साथ शादी की थी। वो अभी प्रेग्नेंट है, अभी उसका 7वां महीना चल रहा है, इसलिए अक्षय ने पंड्या स्टोर सीरियल छोड़ने का फैसला किया है। लक्ष्य खुराना मेल लीड रोल प्ले करेंगे चीकू की मम्मी दूर की सीरियल में लीप के बाद। वैसे साई केतन राव को भी इस सीरियल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन अब लक्ष्य खुराना फाइनल हो चुके हैं मेड लीड पे करने के लिए। लक्ष्य खुराना सिमरन तोमर के ऑपोजिट नजर आएंगे। लक्ष्य खुराना धनुष नाम का रोल प्ले करेंगे और सिमरन तोमर चीकू का रोल प्ले करेंगी। जी टीवी का सीरियल रिश्तों का मांझा अंडर स्कैनर में है। इस सीरियल की टीआरपी मार्च 2022 तक इंक्रीज नहीं हुई, तो रिश्तों का मांझा सीरियल को ऑफर होने का खतरा बढ़ सकता है। सोनम अरोरा की एंट्री होगी ससुराल सिमर का 2 में, उसका नाम सीरियल में भावना होगा। पलक गुस्वानी की एंट्री होगी कलर्स टीवी के सीरियल फना इश्क में मरजावा सीरियल में। क्रीप सूरी पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे कलर्स टीवी के सीरियल फना इश्क में मरजावा सीरियल में। पारुल चौहान ज्वाइन करेंगी सब टीवी के सीरियल धर्म योद्धा गरुड़ में। शोएब अली नागिन 6 ऑफर हुआ है। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।